हेलो स्टूडेंट्स, एसपी बोर्ड धर्मशाला द्वारा एक नई नोटिफिकेशन जारी की है। यहां से देख सकते हैं आप लोग कि दिनांक 11 मई 2022 की ये नोटिफिकेशन है और यहां एक ये जो नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी की गई है, इसमें क्या बोला गया है बोर्ड द्वारा कि जो 2020-21 और 2021-22 में जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन लिए गए थे, वहां से कक्षा तीसरी, पांचवी, आठवीं, नवीं, बारहवीं पाठ्यक्रम में जो भी कटौती की गई थी, आपने देखा था कि हर सब्जेक्ट में जो है वो 30% की कटौती की गई थी नौवीं से बारहवीं क्लासेस में, तो उसको जो वापस लेते हुए अब शैक्षणिक सत्र 2022-23 में सरकार द्वारा जो है विद्यालयों को खोले जाने के जो दृष्टिगत जो है ये फैसला लिया है कि जो टर्म वन है और टर्म टू है वहां फुल सिलेबस में से पेपर आएगा। तो इस अधिसूचना के दृष्टिगत हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सिलेबस है वो कहां से आएगा और हम लोग कैसे सर्च करेंगे एचपी बोर्ड की वेबसाइट पे सिलेबस के बारे में। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एचपी बोर्ड की, hpboards.org की। यहां से यहां कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहां पर सिलेबस दिया है, ये देख सकते हैं आप लोग, यहां से सिलेबस दिया है और सिलेबस में आपने जस्ट क्लिक करना है तो आपको जो नौवीं से बारहवीं तक का जो सिलेबस है, जो नया सिलेबस जारी किया है बोर्ड ने, वो सारा ही यहां से आ जाएगा। देखिए नाइन्थ का है, टेंथ का, ये प्लस वन का, प्लस टू का, ठीक है। जब प्लस वन केमिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ से आएगा, तो यहाँ से आप लोग ये प्लस वन का सिलेबस देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से अगर प्लस वन के जो फर्स्ट टर्म के जो ग्यारहवीं के जो फर्स्ट टर्म है उसके सिलेबस की अगर बात करें तो सब्जेक्ट केमिस्ट्री में मैक्सिमम 50 नंबर का पेपर आपको आएगा फर्स्ट टर्म में, टाइम वही रहेगा 3 घंटे, और कौन कौन से जो चैप्टर है वो फर्स्ट टर्म में आएंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि देखिए यूनिट वन जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है वो 10 पीरियड में हमें कवर करना होगा और यहाँ से 7 नंबर का आपको आएगा। सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और यहाँ से 12 नंबर का आएगा और 8 मार्क्स यहाँ से जो है वो आएंगे, 8 मार्क्स से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। सेकंड जो थर्ड चैप्टर है क्लासिफिकेशन पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज, यहाँ से 6 पीरियड है वो 6 पीरियड में आएगा ये और 6 नंबर का जो है वो पेपर आएगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा चैप्टर है ये 14 पीरियड में हमें कवर करना पड़ेगा और मैक्सिमम ये 10 नंबर का यहाँ से आएगा। एडॉक्स सिलेक्शन है सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है ये, तो यहाँ से 4 नंबर का जो है 5 नंबर का आएगा और 4 पीरियड में इसको कवर करना होगा। जो 6th चैप्टर है हाइड्रोजन, ठीक है, छठे नंबर पर आएगा हाइड्रोजन, ये 4 नंबर का जो है वो आएगा और 4 पीरियड में इसको कवर करना होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, यहाँ से जो है वो ये 10 नंबर का आएगा, बड़ा चैप्टर है ये, और यहाँ से इसको भी 10 जो पीरियड है इसमें कवर करना होगा। टोटल पीरियड जो बनेंगे वो 60 पीरियड बनेंगे और टोटल मार्क्स आएंगे 50। जो प्रैक्टिकल में क्या क्या आएगा, तो प्रैक्टिकल यहाँ से 10 नंबर का यहाँ से प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें आप, टाइम वही रहेगा प्रैक्टिकल का 3 घंटे, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है वो इसमें कवर किया है, टोटल रिएक्शन जो है वो, क्योंकि यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन लिया है और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है वो इसलिए फर्स्ट टर्म में यहाँ से लिया है। 5 नंबर का यहाँ से आएगा। कंटेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 नंबर के आएंगे, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा, क्लास रिकॉर्ड में आपने जो कॉपी है वो और वाइवा जो है उसके जो है वो 3 नंबर रहेंगे, तो इस तरह से ये 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर का यहाँ से आएगा और 10 नंबर के जो है इंटरनल असेसमेंट रहेगी, बाकी जो है वो ये 50 जो है यहाँ से 50 नंबर जो है थ्योरी में इसको कन्वर्ट करके जो है वेटेज के द्वारा जो है 30 में से इसको लिया जाएगा, तो इस तरह से टोटल जो फर्स्ट टर्म में वेटेज दी जाएगी वो 50 मार्क्स की आएगी। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ मैं, आप लोग उसको देखें तो आपको कई चीज़ें वहाँ से कवर होंगी। चलिए नेक्स्ट टर्म में देखते हैं हम लोग प्लस वन के सेकंड टर्म में क्या क्या यहाँ से आ सकता है। तो सेकंड टर्म में जो स्टेट्स ऑफ मैटर, जो मैक्सिमम फिजिकल केमिस्ट्री लिया सेकंड टर्म में, और यहाँ से वैसे ही जो है वो 50 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे में कवर करना होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर है वो 6 नंबर का आएगा, 9 पीरियड में कवर करना है इसको। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है वो 10 मार्क्स का आएगा और 13 पीरियड में इसको कवर करना होगा। इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है वो 8 मार्क्स का आएगा, 11 पीरियड में इसको कवर करना होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स 6 नंबर का इसमें से आएगा और 5 नंबर जो 5 पीरियड में कवर करना होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो 6 नंबर का आएगा। कार्बन जो है वो 10 मार्क्स का यहाँ से आएगा और 10 जो है इसको पीरियड में कवर करना होगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ली है वो 4 नंबर का यहाँ से आएगा और इसको 3 पीरियड में कवर करना होगा। इसी तरह से सेकंड टर्म में भी टोटल जो है वो 60 पीरियड में आपको 50 नंबर का यहाँ से कवर करना होगा का आएगा। तो प्रैक्टिकल जो है वो साल्ट एनालिसिस जो है वो 5 नंबर के आएंगे यहाँ से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे इसको। कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के और प्रोजेक्ट एंड वाइवा जो है वो 3 नंबर का यहाँ से रहेगा। इस तरह से 10 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल सेकंड टर्म में भी बनेगा। तो फर्स्ट टर्म में 30+10+10 और सेकंड में भी 30+10+10 वेटेज के द्वारा इस तरह से 50+50 और यहां से 100 नंबर का पेपर जो है दोनों टर्म में बनेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू एंड हैव ए